अगर आपके पास आपकी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से भी फोन पे को चला सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से फोन पे को कैसे चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड से फोन पे ऐप को चलाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन से फोन पे ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे। आपको लॉन्ग प्रेस करना है और डिलीट के बटन पर क्लिक करके इस ऐप को अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसके आप जैसे ही टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फोन पे ऐप को डाउनलोड करने की लेटेस्ट वर्जन की लिंक मिल जाएगी। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ से जब आप अपना फोन पे ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपका फोन पे ऐप लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड होगा। साथ ही जब आप इसमें अपना अकाउंट बनाकर पहली ट्रांजैक्शन करोगे तब आपको उसमें अप टू 50 रुपीज़ तक का कैश बैक मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहां से आपको फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल हो गया है, इसके बाद आप यहां ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप इसमें अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है। अगर आप दूसरा मोबाइल नंबर डालोगे तब आप अपनी बैंक को इसमें ऐड नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पर कुछ परमिशन को भी अलाउ कर देना है। मतलब जो भी परमिशन आए उन सभी को आपको यहां से अलाउ कर देना है। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। आप यहां सिंपली स्किप पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका इसमें जो अकाउंट है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर से इसमें अपना अकाउंट बनाना है और इसके बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना है। तो बैंक ऐड करने के लिए आप यहाँ चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक को आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको वो बैंक यहां पर नहीं मिल रही है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको सभी बैंक्स यहां पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आप उसका नाम यहां पर सर्च भी कर सकते हैं। आप जो भी सर्च करेंगे वो बैंक आपके सामने आ जाएगी। जैसे मेरा जो खाता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो सिंपली मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर के द्वारा मेरे अकाउंट को फाइंड किया जाएगा और जो भी अकाउंट इस मोबाइल नंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुले होंगे वो सामने आ जाएंगे। जैसे इसमें दो अकाउंट ओपन है, तो आप जिस भी बैंक का यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी बैंक सक्सेसफुली इसमें ऐड हो जाएगी और आपके सामने UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मैंने पहले से ही इनका UPI पिन सेट कर रखा है, इसीलिए मेरे सामने रीसेट UPI पिन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पहली बार सेट कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको सेट UPI पिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसी पर क्लिक करेंगे और आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक आधार कार्ड का और एक ATM कार्ड का। ATM कार्ड से मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इन पर मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। यहाँ पर मैं आपको आधार कार्ड से बताने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड से अपनी बैंक कैसे ऐड करेंगे। आधार कार्ड से बैंक ऐड करना काफ़ी इजी है और ये बहुत जल्द हो जाता है। आधार कार्ड से बैंक ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपका आधार कार्ड आपकी बैंक से लिंक होना चाहिए। और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपके आधार कार्ड और आपकी बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। अगर डिफरेंट मोबाइल नंबर लगे होंगे तब आपकी बैंक इसमें ऐड नहीं होगी, मतलब उसका UPI पिन नहीं बनेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कई सारी बैंकें हैं जो आधार कार्ड को सपोर्ट करती हैं और कई सारी बैंकें आधार कार्ड से UPI पिन बनाने को अलाउ नहीं करती हैं। तो जो अलाउ करती हैं उन्हीं का आप UPI पिन बना पाएंगे। अदर कुछ बैंक्स के लिए आपको अपना डेबिट या ATM कार्ड ही लेना पड़ेगा। तो इसका आधार कार्ड से बन जाता है, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूंगा, इसे प्रोसेस किया जाएगा और आपके सामने आधार डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट के 6 डिजिट डालने हैं। डेबिट कार्ड में आपको लास्ट के 6 डिजिट डालने होते हैं और आधार कार्ड से जब आप बनाते हो तो तब आपको
फर्स्ट के 6 डिजिट डालने होते हैं, और उन्हें डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको SMS की परमिशन दे देनी है, और फिर आपके आधार कार्ड और आपकी बैंक से एक एक करके इसमें OTP भेजा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP आ गया है, तो उसे आपको यहाँ पर डालना है और सही के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसे डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी बैंक की तरफ से जो OTP आया था उसे भी आपको यहाँ पर डालना है और सही के बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे देन आपके सामने UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और आप इसमें 6 डिजिट का UPI पिन सेट कर सकते हैं। कुछ बैंकों में 4 डिजिट का UPI पिन सेट होता है और कुछ में 6, तो आपकी बैंक में जितने भी डिजिट का UPI पिन सेट होता है उसका आप यहाँ पर UPI पिन बना लेंगे। UPI पिन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना होता है क्योंकि इसी से पेमेंट वगैरह ट्रांसफ़र होती हैं, और साथ ही इसी से यहाँ पर आप बैंक बैलेंस भी चेक करते हैं। तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग UPI पिन बनाना है और इसे आपको किसी को बताना नहीं है। एक बार UPI पिन बनाने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे देन कन्फर्मेशन के लिए आपको वही UPI पिन यहाँ पर दोबारा डालना होगा, और दोबारा डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे देन आपका जो UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि UPI पिन सक्सेसफुली सेट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी बैंक को सबसे पहले इसमें ऐड करोगे और उसके बाद आप उसका UPI पिन बना लोगे, और इसके बाद अब आप इससे सभी काम कर सकते हैं। अगर आप बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तब आप चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी खाता है मतलब जिसका भी आपने UPI पिन बनाया है आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना UPI पिन डालेंगे, और UPI पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे देन आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इससे किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप QR कोड से भेज सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर कैमरा की परमिशन देनी है, और आपको कुछ इस प्रकार से QR कोड स्कैन कर लेना है, और आप जितने भी रुपए की पेमेंट करना चाहते हैं वो रुपए डालेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आप किस बैंक से पैसे भेजना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, पे के बटन पर क्लिक करेंगे, अपना UPI पिन डालेंगे, और उसके बाद ये जो पैसे हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी को मोबाइल नंबर से पैसे भेजना चाहते हो तब आपको यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मतलब जिसको भी आप पैसे भेजना चाहते हो आप न्यू मोबाइल नंबर पर क्लिक करोगे और उसका मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने पैसे भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा आप 2 बैंक या UPI ID पर क्लिक करके किसी की बैंक या UPI ID के थ्रू भी पैसे भेज सकते हो। साथ ही अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो तब आपको मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके सामने सभी प्लान आ जाएंगे, और आप जो भी रिचार्ज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उसका पूरा डेटा आ जाएगा कि आपको क्या क्या इसमें मिलेगा और कितने दिनों का ये प्लान है। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे देन ये जो रिचार्ज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने कहां कहां पर पैसे ट्रांसफ़र किया, कहां कहां से आया है, तो ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। आप यहां पर आएंगे और आपको यहां पर अपना हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आधार कार्ड से अपनी बैंक का UPI पिन बना सकते हैं और पैसे वगैरह भेज सकते हैं, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।